हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बना रही हूँ देसी स्टाइल में चिकन। तो आप लोग मेरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। मैं गैस पे कढ़ाई रख दी हूँ, अब मैं गैस चलाती हूँ। हम गैस जला दिए, कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाला ऐड करेंगे, हमने तेज पत्ता लिए हैं। हमने साबुत गर्म मसाला लिया है, दालचीनी ये सब हम डाल देते हैं। बड़ी इलायची, छोटी इलायची भी है, और हम इसे अच्छे से पकने देंगे। अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे, अच्छे से गर्म हो चुका है। हम सारे प्याज डाल दिए, हम इसे अच्छे से भूनेंगे। हम इसे अच्छे गोल्डन ना होने तक पकाएंगे। जैसा कि फ्रेंड प्याज थोड़ा थोड़ा पकने लगा है, इसे हम और पकाएंगे। देख सकते हैं प्याज पक चुका है, हम इसमें चिकन डालेंगे। हम इसे अच्छे से चलाएंगे। इसे हम अच्छे से एकदम गलन ग्राम तक भूनेंगे। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरे वीडियो कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। एक बार ये चिकन अपने घर पे देसी तरीके से बना कर पूरे फैमिली के साथ खाए, बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो मेरी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिए। देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पकने लगा है। अभी हम इसे और भूनेंगे, फिर इसमें मसाला ऐड करेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। मसाला में हमने लिया है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर और चिकन मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट है और काला मिर्च करके पाउडर है, तब हम इसे ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे सारे मसाले को। देख सकते हैं सारे मसाला हमने मिला दिया अच्छे से, अब हम इसे अच्छे तक भूनेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, चिकन अच्छे से भुनाने लगा है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, हमने छोटा छोटा टमाटर लिया है, अब हम इसे ऐड करेंगे।
से अच्छे से चलाएंगे। देख सकते हैं कितना यम्मी बना है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक अपना स्वाद अनुसार डालें। अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। देख सकते हैं फ्रेंड कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में एकदम। देख सकते हैं फ्रेंड कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इसे हम पानी में और अच्छे से भूनेंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। अगर हम इसे चलाते रहेंगे तो ये कढ़ाई में नहीं छिड़केगा। देख सकते हो साइड साइड से ऑयल छोड़ चुका है चिकन। देख सकते हैं फ्रेंड ये अच्छे से भुना चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड ऐसे भी आप खा सकते हैं रोटी के साथ। इतना अच्छा लग रहा है ना देखने में। अब चाहे तो इसमें रस भी बना सकते हैं नहीं तो मैगी भी बना सकते हैं। इसमें ग्रेवी बनाएंगे। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। अब जितना ग्रेवी रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से ग्रेवी बना सकते हैं। हमको थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी रखना है इसलिए थोड़ा कम पानी ऐड करेंगे। इसमें हम ऊपर से थोड़ा चिकन मसाला ऐड करेंगे। अब इसे हम ढक देंगे अच्छे से पकने देंगे 5 मिनट। देख सकते हैं फ्रेंड चिकन अच्छे से पक चुका है। तो प्लीज़ अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरा रेसिपी कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।